हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल. लेकिन हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं लाइक ऑलवेज फॉर अप्रैल 2019. और बेसिकली इस महीने जो मैं एंजल कार्ड डेक, हमेशा मैं अलग एक डेक यूज़ करती हूँ. आप लोगों को पता ही है, जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो टैरो कार्ड्स यू नो सेम रहते हैं एज यूजुअल, बट हम एंजल कार्ड्स डिफरेंट डेक्स यूज़ करते हैं हर बारी. तो इस बारी जो हम एंजल डेक यूज़ कर रहे हैं वो है एंजल आंसर्स बाय डॉरिन वर्च्यू. तो बेसिकली इस डेक में क्या होता है, हमारा यूजुअल डेक होता है उसमें यू नो यू जस्ट गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द सुप्रीम पावर, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं. बट ये एंजल आंसर में थोड़ा एक यू नो डिफरेंस होता है. यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, यू नो जैसे आपके करंट सिनेरियो में कुछ चल रहा है, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, यू नो जहाँ आपको लग रहा है कि आप अटक चुके हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है. तो यहाँ पर आप जैसे अपना साइन देखें, उससे पहले एक दिमाग में ना क्वेश्चन सोच लें अपने लाइफ में क्या चल रहा है, किधर आपको आंसर चाहिए. तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड आपको आंसर देंगे एंजल आंसर्स. सो ये थोड़ा यू नो डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कैसे काम कर रहा है. जो लोग चैनल पे न्यू हैं और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं, उनको पता है एंजल आंसर के लिए हम हमेशा एक क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं, उसके बाद उनका जो कार्ड पुल आउट होता है वो स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड होता है. तो आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर करे. और जैसे हम करते हैं तीन टैरो कार्ड, एक एंजल मैसेज, इस वक्त हम करें एक एंजल आंसर. और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग्स कैसी लग रही है. जैसे मैं हर मंथ आप लोगों को रीडिंग्स दे रही हूँ, क्या ये आपको हेल्प करी? काफ़ी लोग हो आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका. और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहा है. जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. और एनी फर्दर डू आई थिंक हमें अब स्टार्ट करना चाहिए. लेट्स एंड वी मूव ऑन टू कैंसर, यानी कि कर्क राशि. मैं आप लोगों के लिए तीन टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर. तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं. तीन टैरो कार्ड्स, वाओ, इट्स समथिंग नाइस. जो पहला कार्ड आया है वो है कार्ड ऑफ वॉन्स. ये कार्ड हमें बता रहा है अपने ऑलरेडी सक्सेस को टच करना स्टार्ट कर दिया. यू नो दिमाग में एक अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, इट फील्स लाइक विक्ट्री, यू नो इट फील्स लाइक आई एम ग्रोइंग. जो अंदर से खुशी होती है ना वो आ रही है. जैसे बोलते हैं ना, हम अपने छोटे छोटे स्टेप्स काउंट कर रहे हैं. आप वो पर्सन हो जो अपने छोटे छोटे स्टेप्स काउंट कर रहे हो इस महीने. आपको ऐसे लग रहा है कि हर एक स्टेप आपका एक सक्सेस है, एंड इट्स फीलिंग गुड मोर देन एनीथिंग एल्स. इट्स फीलिंग नाइस एंड विच इज़ अ ग्रेट साइन, विच इज़ समथिंग ग्रेट. सो इट्स टेलिंग यू कि अपने छोटे स्टेप्स कभी सेलिब्रेट करना बंद नहीं कीजिएगा. यू नो इट्स ओनली हेल्पिंग यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट, इट्स ओनली हेल्पिंग यू गेट बेटर टू वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ. तो येस, ये स्टेप आप बनाए रखे, बरकरार कीजिए, एंड यू नो यू विल सी अ लॉट मोर बिगर सक्सेसेस कमिंग योर वे. बट यस, डेफिनेटली ये बता रहा है कि इस महीने आप सेलिब्रेट कर रहे हो, यू नो सक्सेस आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, इट फील्स नाइस, इट फील्स गुड. अब जो सेकंड कार्ड है वो है कार्ड ऑफ वॉन्स अगेन. ये बता रहा है ये जो विक्ट्री आ रही है, ये जो सक्सेस आ रहा है, जो भी हम अपने बात करी यू नो जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक, तो ये आपको बता रहा है कि ये ऐसे ही नहीं आ रही है. यू नो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं. आप जैसे अपने स्टेप्स देख रहे हो, जैसे आप ग्रो कर रहे हो, इट्स मेकिंग यू हैप्पी, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट ईजी. यू नो जो पाथ आपने चूज किया है, जहाँ आप करंटली चल रहे हो, वो बहुत ही डिफिकल्ट पाथ है. एंड यू नो वी आर सॉर्ट ऑफ अग्रीइंग टू इट, एंड आप भी एक्नॉलेज कर रहे हो कि आप बहुत आगे बढ़े हो लाइफ में. यू नो जहाँ आप अगर अपने आप को कंपेयर कीजिए कि पास्ट में यू नो 5 साल पहले मैं क्या था और मैं क्या थी, यू नो इट्स ओनली मेकिंग यू अ हैप्पियर पर्सन, इट्स ओनली मेकिंग यू अ स्ट्रांग पर्सन. जो डिफिकल्टीज से आप आज यहाँ आए हो, यू नो आप अपने ऊपर ग्रेट फील कर रहे हो, आप अपने ऊपर एक यू नो गर्व महसूस कर रहे हो, इज व्हाट आई मीन. तो ये जो स्ट्रगल है, ये जो स्लॉग है अभी तक है. मैं ये नहीं बोल रही कि यू नो सब चला गया एंड आई एम इन द बेस्ट पॉसिबल प्लेस. नहीं, स्ट्रगल अभी भी बाकी है. यू नो लेट्स जस्ट बी रियल. इधर जो कार्ड्स हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि स्ट्रगल आपका खत्म नहीं हुआ है. आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ आई कैन जस्ट रिलैक्स नाउ. नो, इट्स टेलिंग यू देयर इज अ लॉट मोर टू सी. और ये महीने भी आपको स्ट्रगल ही करना है, स्लॉग ही करना है, बट आप फिर भी यू नो
This is my favorite card. It only tells you that you're feeling good, you're feeling comfortable, you are counting your gratitudes. Counting your gratitudes मतलब आप अपने आप को feel कर रहे हो कि आप कितने blessed हो. हर एक चीज़ जो आपके सामने आ रही है, it's only making you happier person. It's only sort of, you know, आपको realize हो रहा है, मतलब हर एक चीज़ की कदर हो रही है basically, you know. आप आज जो भी, you know, for that example, आप जो दिन में meal खाते हो, आपको उसकी भी कदर है. और इससे बड़ी चीज़ शायद ही इस दुनिया में कुछ है. तो अगर आप कोई चीज़ आपके पास आ रही है, अगर आप उसका कदर कर रहे हो, उसकी उसका महत्व जानते हो, नथिंग बियॉन्ड दैट. तो आप बस कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं कि आप सही चल रहे हो. आपने जो डायरेक्शन चूज किया है, जो पाथ अपने लिए चूज किया है, वो बिल्कुल सही है. कहीं भी आपको कोई चेंज, कोई ट्विस्ट नहीं करना है. बट हाँ, अगर कई बार थोड़ा डीमोटिवेट फील करते हो, यार इतना स्ट्रगल क्यों है मेरी लाइफ में, तो वो डीमोटिवेशन हटा दीजिए, यू नो. तो अप्रैल आपके लिए अच्छा महीना है. वो आपको बता रहा है कि यस, स्ट्रगल्स है, स्लॉग है. अगर पर्सनल लाइफ की भी बात किया जाए तो रिलेशनशिप भी इतना कुछ ग्रेट नहीं दिख रहा है. चीज़ें मीडियोकर ही चल रही है. आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे हो, नो डाउट अबाउट इट. बट एट द सेम टाइम, यू नो, यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स इन टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, हु बिलीव्स इन टेकिंग बेबी स्टेप्स. तो वो चीज़ आपको हमेशा ही साथ दे रही है. आप बड़ा जंप मारने की कोशिश नहीं कर रहे हो, विच इज़ द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स. अब जो एंजल आंसर आया है आपके लिए, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल आया है. वो है अबंडेंस. यू नो, ये कार्ड आपको बता रहा है, अगर कोई चीज़ आप चाहते हो ना, तो यूनिवर्स आपको सामने से ऑफर कर देते हैं. यू नो, मतलब आप सिर्फ बोलिए, आप सिर्फ बताइए, आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आपको क्या चाहिए. एंड यू नो, कोई ना कोई जरिए से, कोई ना कोई तरीके से वो आपके सामने आ जाती है. अब जैसे आप सिचुएशन जो मैंने बताया है पहले आपको, कि एक क्वेश्चन दिमाग में रख के ये रिलेट करना है अपने आप से, राइट? तो ये आपको बता रहा है कि आपने जो क्वेश्चन दिमाग में रखा हुआ है ना, जो सिचुएशन आपकी चल रही हुई है ना, उसका आंसर आपके आप सामने से आएगा. इट्स जस्ट लाइक आप उसको राइट वर्ड्स में फ्रेम कीजिए, आस्क फॉर इट. जब तक आप, यू नो, मांग नहीं रहे हो या यूनिवर्स को बता नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आप कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, तब तक कुछ नहीं होगा. आपको क्लियर करना है. यू नो, इट्स ऑलवेज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर. तो जब तक आप क्लैरिटी नहीं रखोगे अपने अंदर में, अपनी सिचुएशन में, अगर आप बोल रहे हो यार मुझे क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है, वैसे नहीं है, तो यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं. एवरीथिंग दैट्स कमिंग टू यू इज इन अबंडेंस. यू नो, सामने से चीजें आ रही है, इज व्हाट आई मीन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर, बी स्पेसिफिक, एंड यू विल सी द राइट थिंग, द राइट time and everything working out in your way. That's about it. I hope आपको ये video पसंद आए. Please channel को subscribe कीजिए अगर आपने नहीं किया है. Stay tuned, stay connected for lots more. Bye bye.